क्रांति उड़ीसा में पेश है अभी तक की खबरें। कोरोना देश में 24 घंटे में 1,00,000 से ज्यादा मरीज मिले। नए संक्रमितों का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। एक्टिव केस में भी रिकॉर्ड 50,000 की बढ़ोतरी। कोरोना दुनिया में बीते दिन 5.26 लाख केस आए। भारत फ्रांस में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले। अमेरिका ब्राजील में नए मामलों में गिरावट। नक्सली हमला, बीजापुर में 24 जवान हुए शहीद। घटनास्थल पर 20 के शव थे। यहां पहुंची रेस्क्यू टीम पर भी नक्सलियों ने हमला किया। एम्बुश में ऐसे फंसे जवान। नक्सलियों ने ही फोर्स को जूनागुड़ा में होने की खबर पहुंचाई। यू शेप में छिपे थे, गुरिल्ला जोन में इकट्ठे पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग की। बंगाल का सियासी घमासान, मोदी पर दीदी का हमला। कहा, प्रधानमंत्री क्या भगवान या सुपर ह्यूमन है जो नतीजों की भविष्यवाणी कर रहे हैं। उत्तराखंड के 40 नए जंगलों में भड़की आग। 24 घंटे में 63 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक। केंद्र ने एनडीआरएफ और हेलीकॉप्टर भेजे, अलर्ट जारी। पर्यटकों से गुलजार है कश्मीर। 3 दशक में पहली बार घाटी के सभी 10 जिलों में जा सकेंगे सैलानी। श्रीनगर हवाई अड्डे से हर रोज रिकॉर्ड 45 फ्लाइट्स अप डाउन हो रही हैं। नेपाल में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। प्रचंड के समर्थन से सरकार बनाने की कर रही तैयारी। भिक्षुओं को एयर स्ट्राइक का डर। म्यांमार में सेना की फायरिंग से डरे थाईलैंड के भिक्षु छिपने के लिए पहाड़ खोदकर बंकर बना रहे। एसटीएफ से डरे पाकिस्तान ने की कार्रवाई। मुंबई हमले के सरगना हाफिज सईद के 5 गुर्गों को 9 साल कैद। लश्कर के लिए जुटाते थे चंदा। मिस्र की ऐतिहासिक शाही परेड। 21 तोपों की सलामी के बाद 22 मम्मी की परेड। 3,000 साल पुरानी है ये मम्मी। इनमें 18 राजा और 4 रानियां शामिल। ओलंपिक के लिए शूटिंग टीम घोषित। पिछले महीने वर्ल्ड कप में गोल्ड जीतने वाली चिंकी को रिजर्व में रखा। वर्ल्ड नंबर 1 इलावेनिल 15 सदस्यीय टीम में सिलेक्ट। साउथ अफ्रीका ने की सीरीज में बराबरी। पाकिस्तान के कामनाई फखर जमान की 193 रनों की पारी। टारगेट का पीछा करते हुए सबसे बड़ी पारी खेली। मुंबई में कर्फ्यू लगने पर भी आईपीएल मैच नहीं रुकेंगे। बीसीसीआई उपाध्यक्ष ने कहा, लीग से पहले खिलाड़ियों को कोरोना वैक्सीन लगनी चाहिए, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के संपर्क में है। आरोपों पर बोले कमल। कमल हसन बोले, देखते हैं कौन राजनीति से गायब होता है। अगर राजनीति में सिनेमा रोड़ा बनता है तो फिल्में छोड़ दूंगा। जावेद अख्तर मानहानि केस। कंगना रनौत के आवेदन पर फैसला 5 अप्रैल तक सुरक्षित। एक्ट्रेस ने की थी केस की दोबारा जांच की अपील। थैंक यू, हैव ए गुड डे।